बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मलकांस किचन। गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो गया है और इस मौसम में कैरियाँ मार्केट में बहुत इजी अवेलेबल है, तो मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ कैरी का दो प्याज़ा। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए 4 कटी हुई प्याज, 1 खट्टी कैरी, याद रहे कैरी खट्टी होनी चाहिए, 150 ग्राम मटन। आप चाहे तो इसे बिना मटन के भी बना सकते हैं। कैरी को अच्छी तरीके से पील करके उसके पीसेस कट कर लीजिए। अब एक बॉल में कटी हुई प्याज ऐड करिए। अब इसी में मटन को ऐड करिए, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के हिसाब से, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। कैरी को ऐड करिए, अच्छी तरीके से मिक्स करिए और इसे मैरिनेशन के लिए 5 से 10 मिनट तक रखेंगे। आप चाहे तो बिना मटन के यानी वेज भी बना सकते हैं। मटन को गलाने के लिए मैं यहाँ पे कुकर ले रही हूँ, उसी में सभी को ऐड करिए। 1 कप तेल, अच्छी तरीके से मिक्स करिए और इसे 4 से 5 सीटी तक पकाएंगे। मैं उसी में 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। मटन गल गया है, कैरी को 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरीके से भून लेंगे। गैस को लो फ्लेम पे रख के कैरी का सालन को भुनिए। मैं यहाँ पे 4 कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, आप चाहे तो इसका फाइन पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 कड़ी पत्ते ऐड करिए, आप चाहे तो हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कड़ी पत्ता का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ ताकि सालन और भी जायकेदार बने। कैरी के तो बहुत सारी रेसिपीज है, आप चाहे तो कैरी की खट्टी दाल भी बना सकते हैं। हैदराबाद में इसे कैरी का सालन कहते हैं, आप चाहे तो इसे कैरी का दो प्याज़ा या रॉ मैंगो करी भी कह सकते हैं। है ना सिंपल और जायकेदार रेसिपी। याद रहे जब भी आप कैरी के कोई भी रेसिपी बना रहे हैं, कैरी हमेशा खट्टी होनी ही चाहिए। माशाल्लाह खुशबू तो ज़बरदस्त आ रही है। आप गैस फ्लेम ऑफ कर दीजिए और इसे डिश आउट कर लीजिए। इसे आप प्लेन राइस के साथ सर्व करिए। उम्मीद है आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।